वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू हम बाद में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, बिकॉज लास्ट जो मीशो का कुर्ता सेट हॉल वीडियो हमने किया था, उसमें जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, गाइस थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि वीडियो बनाना एकदम सक्सेसफुल रहा। आप लोगों ने इतनी शॉपिंग की है उस वीडियो के थ्रू और इतनी सारी परचेज देके मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी रिकमेंडेशंस किसी के लिए इतनी ज्यादा यूजफुल हेल्पफुल रही है, एंड आई एम सो हैप्पी। आज के वीडियो में भी उतना ही प्यार दिखाना है, भर भर के कमेंट्स करने हैं। मैंने कोशिश की थी लास्ट वाली वीडियो में सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की, कुछ अगर एक आधा कमेंट किसी का रह गया है उसके रिप्लाई भी मैं हाथों हाथ जल्दी ही आपको दे दूंगी। बट गाइस, आज के वीडियो के लिए मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको कितने प्यारे प्यारे डिजाइन मैं लेके आई हूँ। मतलब लिटरली मैंने 2 घंटे बैठ के मीशो से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए हैं। आप लोगों को भी पता है कि मीशो से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना कोई इजी टास्क नहीं है। मतलब आपको ऐसे ओपन करते ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, कोई हजारों प्रोडक्ट्स के बीच में से मैं 20-30 गिने चुने प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आती हूँ। एंड आज का हॉल वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बड़ा सारा एंड सुपर अफोर्डेबल हॉल वीडियो होने वाला है, बिकॉज स्टार्टिंग प्राइस इज जस्ट ₹40 and ₹50। सो बिना देरी के करेंगे वीडियो को शुरू। लेकिन गाइस, जो लोग नए आए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरीके की बहुत प्यारी प्यारी फैशन एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। एंड पास में दिया हुआ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आप करते हैं वीडियो को शुरू और बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 से। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिखाऊंगी, वीडियो के बीच में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मेरा फेवरेट है। गाइस लुक एट द डिजाइन, दिस बैग इज सो प्रिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने इमेज में देखा था वही मेरा दिल लगा था इसके ऊपर, लेकिन इमेज से कई गुना ज्यादा सुंदर ये बैग मुझे मिला है। फ्रंट में इसके हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एंड लुक एट द डिजाइन गाइस, इट्स सो पिंटरेस्टी एंड दिस बैग इज सुपर अफोर्डेबल। आई गॉट दिस वन फॉर ₹280 के अंदर इतनी हाई फिनिशिंग और इतना बड़ा सारा बैग मिलना इज सच अ स्टील डील। गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मैंने इमेज में देखा था मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका साइज इतना बड़ा होगा। आई वॉज लाइक कि ठीक है स्लिंग बैग जैसा लग रहा था छोटा सा साइज, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा सारा क्लच बैग मिल गया है जिसके अंदर आप भर भर के सामान स्टोर कर सकते हो। लाइक लिटरली आप इसके अंदर 5 से 7 फोन डाल सकते हो, इसका साइज इतना बड़ा है। एंड यहाँ पे बहुत ही हाई फिनिशिंग के अंदर इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एंड आई लव दिस कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही ज्यादा प्यारा बैग है। इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिंगल व्हाइट कलर ही अवेलेबल है और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। इन केस अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसके साथ चेकआउट करने में देरी बिल्कुल भी मत करना। प्लस पॉइंट ये है कि अपर में आपको क्लोजर के लिए जिप क्लोजर मिल रहा है, एंड इसी के साथ हमें एक चेन भी अटैच्ड मिल रही है। इन केस इफ यू वांट टू कैरी जस्ट लाइक अ स्लिंग बैग, तो आपके पास वो वाला ऑप्शन भी है। एंड सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट, इसका जो फैब्रिक यूज हुआ हुआ है प्रॉपर हैवी पैडिंग वाला फैब्रिक यूज हुआ हुआ है, तो आपको हल्का फुल्का वाटरप्रूफ वाला भी काम ये कर देगा, आपका सामान बहुत सिक्योरली पड़ा रहेगा। एंड क्वालिटी वाइज आई रेट 100 out of 100। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन गाइज, एंड एग्जैक्ट प्राइजेस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। मीशो पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो गो एंड शॉप दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो हमने सेम ही सेलर से परचेज किया है। एक्चुअली मैंने इस सेलर से 3 बैग खरीदे थे, एंड तीनों ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। ये वाला बैग तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगा था मुझे, ये कोई स्लिंग बैग या मोबाइल कैरी करने के लिए नहीं है, स्पेशली आपके सनग्लासेस को कैरी करने के लिए बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनग्लासेस के अलावा कुछ और चीज इसमें डाल ही नहीं सकते हो, आप डाल सकते हो जो आपका मन करे वो, लेकिन इसका डिजाइन और इसका लुक बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है। गाइस इसके ऊपर भी आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी मिलेगा, एंड इनका जो एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है ओह माय गॉड, इट्स प्रॉपर इतनी हैवी और हाई फिनिशिंग मिली है। लिटरली आई स्वेयर इनके इमेजेस देख के, इमेजेस में मतलब इतनी ज्यादा प्रॉपर फिनिशिंग आपको शो नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक सा प्रोडक्ट लगेगा, हो सकता है इतना अच्छा है या नहीं आए। बट गाइस कोई नहीं कह सकता है कि ये प्रोडक्ट्स आपने मीशो से परचेज किया है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा इसके ऊपर वो पुराने स्टाइल में जो क्लचेस में लॉक आता था ना वो है, एंड अंदर इसके भी बहुत हैवी पैडिंग की हुई है जिससे कोई भी अगर आप कीमती सामान डाल रहे हो जस्ट लाइक सनग्लासेस तो वो सिक्योरली पड़े रहे विदाउट एनी डैमेज। एंड इसके अंदर आपको 1 या 2 कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, बट दिस वन इज सो प्रिटी एंड सुपर अफोर्डेबल। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। कोई भी चेन या अटैच स्ट्रैप इसके साथ नहीं मिलेगा, सिंगल ही आपको इस तरीके का ही पाउच मिलेगा, एंड हाईली रिकमेंडिंग दिस वन गाइस, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। एंड अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 3 की, जो कि फिर से बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोडक्ट है। गाइस आज के वीडियो में जो जो बैग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, लिटरली कॉमेंट करके बता जरूर देना की आपको पिंटरेस्टी हॉल लगा या नहीं लगा, बिकॉज ये बैग्स ढूंढने में ना
तीन से चार घंटे मैंने लगाए हैं एंड लुक एट दिस प्रिटी प्रिटी बैग. आई एम इन लव विद दिस बैग. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन गाइस, इट्स सो एस्थेटिक. प्रॉपर ब्राउन कलर मिला है और बहुत ही प्यारी सी शेड है. वुडन का इसके अंदर आपको हैंडल मिल रहा है एंड ये वाले जो बैग है ये हैंडमेड बैग है. प्लस बात ये है कि इसका जो क्लोजर है मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके अंदर आपको जिप क्लोजर मिलेगा. मुझे ऐसा लगा था सिंपल हैंडबैग जैसा होगा लेकिन जिप क्लोजर है तो आपका सामान बहुत ही ज्यादा सिक्योरली इसके अंदर पड़ा रहेगा. बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जिप जो है कितना ज्यादा स्मूथ है आप देख पा रहे हो. अंदर आपको इसके जो फैब्रिक का एक लेयर मिलेगा जिससे आपका सामान कोई भी छोटा मोटा कुछ भी आप डालोगे सिक्योरली पड़ा रहेगा बिकॉज बाहर से ये हैंडमेड है और एक आधा सामान बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. साइज बहुत बड़ा सारा साइज है, जितना चाहो उतना सामान आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो. एक ही ड्रॉबैक पॉइंट इसके अंदर लगा, इसके अंदर कोई भी आपको अटैच्ड चेन या स्ट्रैप नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ ये ही एक ऑप्शन मिलेगा हैंड हैंडल के जैसे कैरी करने में. बट लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस, प्लस काफी ज्यादा अफोर्डेबल डील पे भी आपको मिल जाएगा. तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना एंड इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट बैग हमने लिया है, फिर से मैंने ये क्लच लिया है एंड गाइस लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्लिंग बैग. मतलब बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एंड फैंसी लुक भी दे रहा है प्लस एथेनिक लुक भी दे रहा है. तो सोने पर सुहागे वाली बात है कि हर एक टाइप के आउटफिट के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो, फिर चाहे वेस्टर्न हो फिर चाहे एथेनिक हो. एंड लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन गाइस, इज सो पूरे फ्रंट के ऊपर ये हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है इतनी ज्यादा बारीक और इतनी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कि मेरा दिल तो इस पे डेफिनेटली आ गया है. बहुत सारे कलर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, हार्डली वन या टू कलर ऑप्शंस आपको शायद मिल जाएंगे. बट दिस वन इज सो सो प्रिटी. मतलब रस्ट ऑरेंज एंड काफी सारे कलर्स हैं वैसे तो इसके अंदर, बट जो हाईलाइटेड कलर है वो पीछे से आपको मिलेगा ये पीच पिंक डस्की पिंक शेड एंड फ्रंट में आपको मिलेगा डार्क ग्रे शेड और इतने सारे मल्टी कलर के अंदर ये डिजाइन दिया हुआ है. गाइस दिस पीस इज सो सो अफोर्डेबल. इसका जो साइज है वो उतना बड़ा सारा साइज नहीं है, इसका साइज स्लिंग बैग वाला साइज है. आराम से आप इसके अंदर तीन से चार फोन कैरी कर सकते हो. मैं आपको एस्टिमेटेड आइडिया दे देती हूँ कि कितना सामान आप इसके अंदर डाल पाओगे. जिप क्लोजर के लिए हमें चेन मिला है और ये हमें एक स्ट्रैप मिल रहा है चेन वाला जिसका क्वालिटी भी बहुत सुंदर है. एंड द बेस्ट पार्ट, इसका भी जो पैडिंग हुआ है गाइस, आज के बैग्स की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली इस सेलर की. ये तीनों ही बैग हमने सेम सेलर से लिए है और तीनों के तीनों बैग्स की क्वालिटी नंबर वन A1 क्वालिटी है. बहुत ही ज्यादा अच्छी इन्होंने हाई फिनिशिंग वाली पैडिंग की हुई है जिससे ना 100% श्योर कि आपका सामान बहुत सिक्योरली पड़ा रहेगा. और अंदर आपको एक सीक्रेट पॉकेट भी मिल रहा है अलग से, छोटा सा कंपार्टमेंट जिसके अंदर आप अलग से अपना कुछ कार्ड्स कैश कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो. हाईली रिकमेंडिंग दिस वन गाइस. एंड उससे भी ज्यादा एक चीज मैंने नोटिस किया, ज्यादातर हम मीशो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से बैग खरीदते हैं ना, सब लोग बाहर तो ध्यान देते हैं अंदर कोई ध्यान नहीं देता है. ज्यादातर केसेस में अंदर का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा हल्का फैब्रिक ही लगा होता है लेकिन इसके अंदर का जो फैब्रिक है इट्स 100% प्योर कॉटन फैब्रिक गाइस. लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बैग मुझे मीशो से मिला है. एंड गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा बताती हूँ, सभी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है. सबसे टॉप पे आपको एक मेरे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको विद इमेजेस वहां पे शो हो जाएंगे एंड आपके लिए शॉपिंग करना हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान. नेक्स्ट बैग मैं दिखाऊंगी लेकिन आपका ध्यान जा रहा होगा कि मैंने जो टॉप पहना है वो कहाँ से लिया है. ये टॉप मैंने अर्बैनिक से लिया था. इनकेस स्टॉक में होगा तो मैं इसका लिंक भी एड कर दूंगी, अगर स्टॉक में नहीं हुआ तो समझ जाना लिंक आपको नहीं मिल पाएगा, आई एम सॉरी. और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि मैंने आपको बताया है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है इस हॉल का, जो कि हमने लिया है ये कार्ड होल्डर. एक्चुअली इस कार्ड होल्डर की मैं बहुत बार शॉपिंग कर चुकी हूँ एंड ये इतना ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट मेरे लिए रहा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कुछ भी छोटी मोटी चीज मुझे और दिखती है मुझे ऐसा लगता है मुझे एक और पीस मंगा लेना चाहिए. एंड मीशो पे आपको ये ट्रांसपेरेंट कार्ड होल्डर मिल जाएगा जस्ट फॉर रुपीज 40, 50 एंड 60, दैट्स इट. और इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिलते हैं. अंदर के जो कंपार्टमेंट्स है प्रॉपर पेपर वाले कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मतलब बहुत ही थिन सा लेयर है. बट ट्रस्ट मी, मेरे अब तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 months मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं हुई है. बहुत अच्छे से काम करता है एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है. इसके अंदर आप अपने कैश भी रख सकते हो, कार्ड्स भी रख सकते हो, कुछ भी छोटी मोटी चीजें स्टोर करके रख सकते हो. रिसेंटली मैंने इसे मंगाया है जब भी मैं स्लिंग बैग कैरी करती हूँ और मुझे कैश स्लिंग बैग में डायरेक्ट कैरी करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने एक कार्ड होल्डर मंगा लिया बिकॉज इसके अंदर मेरा जो कैश है सेपरेटली पड़ा रहेगा बहुत ही सिक्योरली. तो मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा एंड लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन.
इसके बाद जो हमने बैग लिया है वो इस बार हमने ट्राई किया है येलो कलर में। गाइस मुझे ना पिक्चर में ये बैग देख के बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा था एंड नो डाउट इसका डिजाइन और इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टेक्सचर गाइस, ऐसे जूट वाला सा फैब्रिक इसके ऊपर यूज हुआ है एंड इसके अंदर आपको 3 to 4 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। आई थिंक पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर एंड दिस प्रिटी येलो कलर। मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर अच्छा लगता है इसलिए आई पिक दिस वन एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिल गया है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा फैब्रिक इसके ऊपर लगा हुआ है। जिप क्लोजर हमें मिल रहा है प्लस मुझे इसके साथ मिले हैं दो डिफरेंट स्ट्रैप्स अलग अलग स्टाइल के। फर्स्ट हम इसे एज अ हैंड हैंडल बैग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं ये वाला स्ट्रैप एंड द सेकंड वन हमें मिला है वो सिंपल बैग वाले फैब्रिक के अंदर ही स्ट्रैप मिला है। आप दोनों को भी इसके साथ अटैच कर सकते हो एंड लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर आएगा और लुक आएगा कुछ इस तरीके का। गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन बैग्स के लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। मीशो पे रिसेंटली मैं ये भी देख रही थी बहुत कि काफी सारी ब्रांड्स वहां पे आ चुकी है एंड काफी अदर प्लेटफॉर्म्स के कंपेरेटिव काफी अच्छे रेट्स पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड आइटम्स, डर्माको, एक्वालॉजिका, स्विस ब्यूटी, मास्क, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आ रखे हैं। गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको मीशो का ब्यूटी हॉल वीडियो देखना है तो प्लीज गाइस ड्रॉप योर कमेंट्स। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जल्दी ही आपके साथ मीशो का ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ट्राई करूंगी एंड मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट मुझे लगा मुझे एक बार मेरी ऑडियंस से पूछ लेना चाहिए कि मेरे जैसे वो भी एक्साइटेड है या नहीं है या फिर इंटरेस्टेड है या नहीं है। सो जल्दी जल्दी ड्रॉप योर कमेंट्स एंड इस पैक के लिए मेरी तरफ से एक बड़ी सी हाँ है, तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक्स आपको सभी अवेलेबल कलर्स के मिल जाएंगे, मिस बिल्कुल मत करना बिकॉज बहुत अफोर्डेबल डील है। इसके बाद जो हमने बैग लिया है, आपको पता है मैं मिक्स कैटेगरी करती हूँ, सारे टाइप के बैग्स लेके आती हूँ, तो इस बार मैंने ये थोड़ा सा ब्राइडल स्टाइल का पोटली बैग भी ले लिया है। गाइस ट्रस्ट मी मुझे पोटली बैग्स कैरी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे एथनिक वेयर स्टाइल करना भी बहुत ज्यादा पसंद है और उसके लिए मैं पोटली बैग्स ही कैरी करती हूँ ज्यादातर सूटों के साथ हमेशा एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक देता है। एंड मीशो का जो पोटली बैग्स का कलेक्शन है ना गाइस लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारा कलेक्शन है। उसी के बीच में से मैंने ये काफी स्ट्रॉन्ग सा पोटली बैग ले लिया है मीशो से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे ये मिला है। आई थिंक इसका प्राइस ₹580 मुझे मिला था लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी इसके अंदर यूज हुई है। इसका जो फैब्रिक है काफी हैवी सा स्टफ इसके अंदर यूज हुआ है, अगेन पैडिंग की हुई है इसके ऊपर भी एंड काफी प्यारा सा इसके ऊपर ये राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी वर्क भी किया हुआ है। प्लस इसका जो हैंडल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसका एंड मैं सच बताऊं मेरे पास 2000, 3000, 4000, 5000 तक के पोटली बैग्स मैंने अपनी शादी में खरीदे थे एंड उनके किस्से के भी हैंडल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लिटरली सबके हैंडल टूट चुके थे बिकॉज पोटली में कुछ भी मैं हैवी सामान कैरी करती थी और वो हल्के हल्के से बने होते थे और वो कटक कटक करके सब टूट गए। इसका हैंडल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। गाइस इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, अगर आपके घर में शादी है या फिर आप ब्राइड बनने वाली हो तो आप इस तरीके के बैग्स के साथ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी ड्रेस बहुत ज्यादा सिंपल है तो ये बैग आपके सिंपल से ड्रेस के अंदर चांद चांद लगा देगा। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बैग की भी। गाइस आई गॉट दिस वन फ्रॉम मीशो एंड लुक एट दिस बैग, हाउ क्यूट इट इज, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा बैग मुझे ये लगा एंड इसके अंदर आपको जितने कलर ऑप्शंस चाहिए आपको उतने कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने लिया है बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड एस्थेटिक ग्रे कलर के अंदर, मुझे ये कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर काफी सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाता है एंड काफी ज्यादा सिंपल एंड सोबर एंड एलिगेंट सा लुक देता है। गाइस दिस बैग इज सुपर स्पेशियस एंड बहुत ही ज्यादा दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन अंदर आप इसके बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हो। जैसे ही आप इस पैक को ओपन करोगे आपको मिलेगा एक बड़ा सारा स्ट्रैप जिससे आप इसे अलग अलग स्टाइल में कैरी कर सकते हो, लाइक स्लिंग बैग, क्रॉस बॉडी बैग, शोल्डर बैग, जैसे चाहो वैसे। अंदर आप आराम से 2 से 3 फोल्ड डाल सकते हो, छोटा मोटा पाउच डाल सकते हो, कैश रख सकते हो बिकॉज छोटा सा आपको एक अलग से सेपरेट कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा। प्रॉपर लेदर यूज किया हुआ है, प्रॉपर लेदर नहीं है बट फिनिश एंड लुक आपको वैसा मिल जाएगा, काफी ज्यादा हाई फिनिशिंग है एंड अच्छा प्रोडक्ट है। लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन गाइस एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है तो जल्दी से जाके आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो इन केस इफ यू वॉन्ट स्लिंग बैग। इसके बाद जो बैग हमने लिया है दिस वन इज माय फेवरेट बैग गाइस, ये बैग मेरी विशलिस्ट में बड़े ही लंबे टाइम से एडेड था। मैं लेना चाह रही थी बट मैं वेट कर रही थी कि जब मैं मीशो का बैग हॉल वीडियो करूंगी तभी मैं ये बैग लूंगी और मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस भी इस बैग को परचेज कर पाएगी एंड लकीली ये बैग अभी भी स्टॉक में है तो आप इसके साथ चेकआउट कर सकते हो बिकॉज डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन इज सो डिफरेंट एंड सो यूनिक। बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रेंडी सा डिजाइन लगा मुझे इसका एंड ये बैग भी हैंडमेड बैग बना हुआ है, इसका स्ट्रैप
इतना ज्यादा प्यारा स्ट्रैप है गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। बेस्ट पार्ट, इसे भी आप वेस्टर्न एथनिक जैसे चाहो वैसे इसे कैरी कर सकते हो एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा नॉर्मल कॉलेज में, मार्केट में, स्कूल में, एनीवेयर। तो इसका जो हमें क्लोजर मिला है वो भी हमें जिप क्लोजर मिला है। जिप बहुत ही ज्यादा अच्छी एंड हाई फिनिशिंग वाली क्वालिटी के अंदर यूज की हुई है। प्लस लुक एट द इनर मटेरियल गाइस, कितना ज्यादा हाई फिनिशिंग प्रॉपर जूट मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है, 100% जूट मटेरियल। बहुत ही ज्यादा अच्छा बैग है। अंदर आपको कोई भी अलग से कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा, बट सिक्योरली आप अपना बहुत सारा सामान इसके अंदर कैरी कर सकते हो, बिकॉज काफी बड़ा सारा बैग है। इसके अंदर आप आराम से 7 to 8 सेल फोन डाल सकते हो, इतना स्पेस इसके अंदर है। सो लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी इससे मिलती जुलती सभी बैग्स का लिंक आपके साथ शेयर करने की। सो गो एंड चेक दिस वन राइट नाउ। इसके बाद जो बैग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस, आई एम इन लव विद दिस शोल्डर बैग। एक्चुअली पहले मैं कभी भी शोल्डर बैग कैरी ही नहीं किया करती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरी हाइट और ज्यादा छोटी लगने लग जाएगी या फिर मेरे ऊपर इतना ज्यादा शोल्डर बैग सूट नहीं करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप ट्रेवल करोगे, सूट करे या ना करे, आपको शोल्डर बैग की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, बिकॉज आपको बहुत सारा सामान हम लड़कियों को चाहिए होता है और एक साथ हम इतना सारा सामान स्लिंग बैग में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था शोल्डर बैग का। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने मेरे लिए बहुत सारे शोल्डर बैग्स मंगाए थे एंड इस बार फिर से मैंने ये ब्राउन कलर का शोल्डर बैग मंगाया, बिकॉज ये वाला बैग मुझे ऐसा लगा काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा मेरे लिए एंड बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैच कर जाएगा। एंड ये ब्राउन और टैन कलर तो हर एक कलर के साथ मैच हो जाता है गाइस। इसका जो अपर का मटेरियल है इट्स सो प्रिटी एंड इसका प्राइस अगर आप सुन लोगे आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इतने कम रेट के अंदर हमें इतनी ज्यादा हाई फिनिशिंग क्वालिटी मिल गई है। इसके अंदर लिटरली आपको जितने कलर चाहोगे उतने कलर मिल जाएंगे। प्लस इसका स्ट्रैप भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसी के साथ अटैच्ड है, आप इसे डिटैच नहीं कर सकते हो, बट आप इसे अपनी हाइट के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज ये बेल्ट वाला स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। जिप क्लोजर आपको नहीं मिलेगा, सिंपल ये हुक्स वाला क्लोजर मिलेगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बहुत ही सुंदर सा बैग है एंड अंदर भर भर के आप अपना सामान डाल सकते हो। अंदर आपको कोई भी अलग से सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। हाईली रिकमेंडिंग दिस वन, मिस डेफिनेटली मत करना, बिकॉज इस तरीके के बैग्स यू चुटकियों में चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इनकेस अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने सिस्टर, मदर, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी ये बैग ले सकते हो एंड आई एम 100% श्योर कि उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो हमने बैग लिया है वो मैंने लिया है ये स्लिंग बैग। ये थोड़ा सा शायद मीशो मॉल से लिया है हमने या फिर मीशो गोल्ड से लिया है। आजकल मीशो पे बड़े ही दो ट्रेंडी ऑप्शंस चल रहे हैं, मीशो मॉल मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको सामान मिलेगा, ब्रांड की जो भी फैक्ट्री है वहां से, मीशो गोल्ड मतलब ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये बैग हमें मिला है एंड एग्जैक्टली जैसा इमेज में ये फोटो में था उससे भी ज्यादा अच्छी और हाई फिनिशिंग क्वालिटी में हमें मिला है। मुझे ये पीस बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। साइज अगेन, इतना बड़ा साइज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज बहुत बड़ा सारा बैग हमें मिल गया है। आराम से आप इसके अंदर काफी सारा सामान डाल सकते हो। जैसे ही इस बैग को ओपन करोगे आपको मिलेगा शोल्डर स्ट्रैप, अगेन ये भी यहाँ पे अटैच्ड है, इसे आप डिटैच नहीं कर सकते हो, बट सेम ही पैटर्न इसमें मिला है। हमें ये बेल्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है जिससे आप अपनी हाइट के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हो। अंदर हमें जिप क्लोजर मिल रहा है एंड भर भर के सामान हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने पेपर्स डाल रखे हैं ताकि इसकी शेप खराब नहीं हो। लेकिन इतना सारा पेपर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ गाइस, लुक एट दिस स्पेस। दिस बैग इज सुपर सुपर स्पेशियस एंड अंदर आपको एक अलग से डिफरेंट कंपार्टमेंट भी मिल रहा है, छोटी सी पॉकेट मिल रही है विद जिप क्लोजर, तो जितना चाहो उतना सामान सिक्योरली और रख सकते हो। एंड मुझे ये बैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा सच में गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मतलब मुझे काफी ज्यादा ऐसे यूजफुल सा प्रोडक्ट लगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बैग मैं बहुत ज्यादा यूज कर लूंगी हर एक आउटफिट के साथ, नॉर्मल कॉलेज, मार्केट, बाहर जा रही हूँ इसे ही कैरी करने वाली हूँ। सो लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो मैंने लिया है ये छोटा सा वॉलेट, एक और मैंने वॉलेट ले लिया है। इसके अंदर भी आपको देखेगा तो ऐसे कि आपको कार्ड्स रखने की जगह मिल रही है, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके के वॉलेट्स में ना कैश बहुत अच्छे से रखा जाता है, मतलब आराम से आपका सेपरेट सेपरेट कैश पड़ा रहता है और बिल्कुल भी ऐसे हिचपिचती नहीं होती है इसके अंदर। एंड दिस वॉलेट इज सो सो प्रिटी, मतलब आप देख पा रहे हो कितना सारा सामान आप इसके अंदर भर सकते हो। एंड इसका जो अपर का मटेरियल है बहुत ही ज्यादा प्यारा सा मटेरियल है, ऐसे आपको लगेगा कि प्योर लेदर लगा हुआ है इतनी हाई फिनिशिंग के साथ। एंड गेस द प्राइस, आई गॉट दिस वन फॉर ₹150, सुपर अफोर्डेबल डील, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिप क्लोजर मिलेगा एंड मेरी तरफ से 10/10 है।
इसके बाद जो मैंने बैग लिया है वो मुझे रियल में इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, मतलब ठीक ठाक सा ही लग रहा है। डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड लेडी लुक वाला सा आया है, लेकिन कोई ओल्ड लेडी दिख रही है तो आप इस बैग के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इसका डिजाइन ही थोड़ा ओके वाला सा लग रहा है। क्वालिटी तो नंबर वन है, बिकॉज इसका प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इस डिजाइन के अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसे आप शोल्डर बैग के जैसे ही कैरी कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक फ्रंट में पॉकेट मिल रहा है। इसके अंदर काफी सारे पॉकेट्स हैं, काफी सारे कंपार्टमेंट्स हैं, काम यूजफुल बैग तो है। तो आप इसे अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हो, अगर आपकी मदर वर्किंग है या बाहर जाती है, उन्हें बैग्स कैरी करने का शौक है, तो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रह सकता है। इसके अंदर आपको टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेगा, बैक साइड में भी आपको पॉकेट मिलेगी, फ्रंट साइड में भी पॉकेट मिलेगी, साइड में भी पॉकेट मिलेगी, मतलब जगह जगह पे पॉकेट्स दे रखे हैं, कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं। तो जितना चाहोगे उतना सारा सामान इसके अंदर कैरी किया जा सकता है। मैंने इसे रेड कलर में मंगाया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल बैग है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। एंड गाइस, इसके बाद मैंने लिया है ये प्यारा सा क्लच। मुझे क्लचेस का बहुत ही ज्यादा शौक है एंड लुक एट दिस पर्ल वाला डिजाइन। ओ माय गॉड, दिस बैग इज सो प्रिटी एंड काफी ज्यादा एस्थेटिक लुक भी दे रहा है इसका। प्लस लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन गाइस, व्हाइट एंड गोल्डन बॉक्स क्लच है। इसे आप इजिली ओपन कर सकते हो एंड ओपन करने के बाद में आपको मिलेगा एक चेन, जिससे आप इसे एज अ स्लिंग बैग के जैसे या शोल्डर बैग के जैसे भी कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इस तरीके की चेन्स ना क्लचेस में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज हम हर टाइम इस तरीके से कैरी करते करते थक जाते हैं। लास्ट में ऐसा ही होता है कि बस टांग ले इसको और काम इजी हो जाए। तो इसके अंदर हमें चेन दी हुई है एंड बहुत ज्यादा सामान आप नहीं डाल सकते हो, बट एक फोन, छोटा मोटा क्लच या फिर कुछ भी मेकअप का सामान आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो। क्वालिटी वाइज नंबर वन प्रोडक्ट है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना, बिकॉज ये बैग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे अभी मिल रहा है। इसके बाद जो हमने बैग लिया है वो हमें मिला है ये ब्लैक कलर का स्लिंग बैग एंड ये डिजाइन मीशो जब स्टार्ट हुआ था तब से मीशो पे अवेलेबल है। अभी मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था ये बैग और मुझे लगा काफी ज्यादा सिंपल एंड एलिगेंट सा लुक दे रहा है। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्वालिटी में मुझे ये बैग मिला है। इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये जो इसका चेन वाला स्ट्रैप दिया हुआ है, दिस इज फुल्ली एडजस्टेबल। आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो एंड इफ यू वॉन्ट टू कैरी लाइक अ शोल्डर बैग तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो। इसका जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको दो कंपार्टमेंट मिलेंगे। अपर मटेरियल हुक वाला मटेरियल मिल रहा है, टच बटन वाला सा, जिप क्लोजर नहीं मिल रहा है। इन अंदर आपको इसके दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेंगे एंड एक अलग से पॉकेट भी मिल जाएगा। अंदर का जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा सारा मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है। प्लस दिस बैग इज सुपर सुपर स्पेशियस एंड जितने कलर चाहते हो उतने कलर मिलेंगे इस बैग के अंदर, मतलब ब्लैक कलर नहीं, इसके अंदर सारे के सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे जो भी दो तीन फेवरेट शेड्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इस तरीके के बेसिक से डिजाइन तो हर किसी के रिक्वायरमेंट होती ही होती है, प्लस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी मिल रहा है। इसके बाद जो हमने बैग लिया है वो मैंने लिया है ये प्यारा सा बैग गाइस। रिसेंटली येलो कलर से मुझे प्यार तो हमेशा से ही है, लेकिन अभी बैग्स के अंदर मैंने कभी येलो कलर ट्राई नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैंने दो येलो कलर के इतने ब्राइट ब्राइट कलर्स के बैग ले लिया है। एंड गाइस लुक एट द डिजाइन, जब मैं गोवा गई थी वहां पे मैंने इस तरीके का कलेक्शन बहुत देखा था एंड वहां पे भी मेरी इच्छा हुई थी कि येलो कलर ट्राई करो, बिकॉज यही सेम बैग मुझे वहां मिल गया था। लेकिन वो जो बैग थे वो सेल कर रहे थे इसी सेम बैग को 600 रुपीज का एंड मीशो पे घर बैठे मुझे ये बैग मिल गया है 400 रुपीज का, विच इज सुपर अफोर्डेबल डील एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इससे ना आप ऐसे बास्केट के जैसे भी कैरी कर सकते हो, जिप क्लोजर मिल रहा है, काफी बड़ी सारी इसकी स्ट्रैप मिल रही है, फुल्ली एडजस्टेबल नहीं है, अटैच या डिटैच करने का ऑप्शन भी नहीं है, इसे आपको इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। लेकिन कलर ऑप्शंस आपको भर भर के इस बैग के अंदर मिल जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांगली से बिल्ड किया हुआ है, खराब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है एंड जितना चाहो उतना सामान इसके अंदर कैरी किया जा सकता है। हाईली रिकमेंडिंग दिस वन गाइस, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्यूट बैग है। प्लस इस बैग को आप अपने किड्स के लिए भी यूज कर सकते हो, तो अगर आपके घर में कोई किड्स हैं तो आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो एंड खुद के लिए तो कर ही सकते हो। इसके बाद जो मैंने बैग लिया था वो मैंने इस तरीके का बॉक्स क्लच लिया था। इसका भी फैशन बड़े लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन इसकी जो कंडीशन आई है वो मेरे पास डैमेज्ड आई है। डिजाइन मुझे अच्छा लगा, बिकॉज व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और ये स्पेशली बटरफ्लाईज का प्रिंट तो मेरा दिल ले रहा था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये डैमेज हो गया है।
थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ गया है और कुछ नहीं है, बस ये यहाँ से इस तरीके से पिचक गया है सारा का सारा। जैसे ही आप इस बैग को ओपन करोगे काफी सारा स्पेस आपको मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ डिफरेंट स्ट्रैप्स भी मिलेंगे जिससे आप इसे शोल्डर बैग के जैसे कैरी कर सकते हो। एंड दोनों साइड आपको इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, ये नेट वाले से कंपार्टमेंट्स है जिसके अंदर आप अलग से अपना कैश या कार्ड स्टोर कर सकते हो। गाइस बैग तो यूजफुल है, लेकिन मेरा वाला डैमेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी डैमेज आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो, कई बार शिपमेंट में ही कुछ चीजें डैमेज हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल बैग है, प्लस बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कलर ये डिजाइन नहीं पसंद है तो इसके अंदर आपको भर भर के डिजाइन और ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं ऑल्टरनेट के लिए दो तीन ऑप्शंस और भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने बैग लिया है गाइज, आई डोंट नो मैं इसे लास्ट में क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज ये सबसे ज्यादा नीचे रह गया था। इस बैग को मुझे सबसे पहले दिखाना था। आई गॉट दिस वन फ्रॉम मीशो एंड मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये बैग मैंने मीशो से लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस लुक एट द डिजाइन, पूरे क्लच के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। बैक साइड में आपको प्रॉपर वेलवेट कलर का बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक अटैच हुआ हुआ है। एंड जैसे ही आप इस बैग को ओपन करेंगे आपको मिलेगा एक गोल्डन कलर का इसके साथ चेन, एंड बहुत ही अंदर का मटेरियल भी बहुत अच्छा यूज हुआ है। गाइस अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आपको अपने एथनिक वेयर के लिए कोई भी बैग चाहिए, आप इसके साथ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये आपके हर एक आउटफिट के साथ मैच हो जाएगा। इसका डिजाइन ही इतना ज्यादा अच्छा है और इतना ज्यादा बेस्ट कलर में मिल रहा है। गाइस दिस स्पेस इज सो अफोर्डेबल एंड सो एलिगेंट, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना बिकॉज बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होती है कुछ इस तरीके की डिजाइनर पीसेस की। अगर आपको पसंद आ रहा है तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है, चले जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू कि आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं, बिकॉज ये बैग ने तो मेरा दिल ले लिया है। इसके बाद जो हमने बैग लिया है वो मैंने लिया है ये व्हाइट कलर का बेसिक सा बैग। आजकल ना ये वाला डिजाइन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी हो रखा है, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये बैग ना बड़ा ही इजी होता है इसे कैरी करना। अगर खराब होने के तो चांसेस ही नहीं है, इसके अंदर मैला हो जाए तो धो लो, आराम से कैरी कर लो, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और इसका जो ये हमें स्ट्रैप है वो अटैच नहीं मिला है, सो लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट। ओके गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल बैग, ये बैग स्लिंग बैग के जितने का साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं है इसका। लेकिन आराम से आप इसके अंदर वन फोन, वन मेकअप पाउच, कुछ छोटी मोटी और कैश आइटम या कुछ भी और चीजें डाल के रख सकते हो। एंड इसका भी जो क्लोजर का पार्ट है वो आपको जिप क्लोजर मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अंदर का मटेरियल प्रॉपर जूट फैब्रिक इसके अंदर यूज किया हुआ है हाई फिनिशिंग के साथ। बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक सेज ग्रीन कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा, ऐसे येलो पिंक इस तरीके के कलर्स आपको नहीं मिलेंगे। आई पिक्ड इन अ व्हाइट कलर बिकॉज मुझे ऐसे लगा सारे के सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाएगा इनकेस व्हाइट कलर होगा तो। एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल बैग है एंड काफी अच्छा सारा इसके साथ हमें स्ट्रैप भी मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा प्यारा बैग है गाइस, जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हो, इसके साथ आंख बंद करके जा सकते हो एंड आई एम 100% श्योर आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद जो हमने बैग लिया है गाइस, आई गॉट दिस वन इन माय फेवरेट कलर पिंक कलर। आपको तो पता है ना मुझे पिंक कलर से कितना ज्यादा ऑब्सेशन है। ये बैग हमने लिया है फुल्ली प्रिंटेड बैग, एंड इस तरीके के बैग्स मीशो पे भर भर के अवेलेबल हैं और बहुत ही सारे कलर ऑप्शंस में मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स में मिल जाएंगे। इस बार मैंने पिंक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है एंड नो डाउट ये बैग बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस बैग के अंदर आपको कोई भी अलग से कंपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, सिंगल कंपार्टमेंट मिलेगा, जिप क्लोजर मिलेगा, जितना चाहो उतना सामान कैरी कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स देख रही है या फिर मार्केट जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपके लिए ये बैग बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, ट्रस्ट मी। इसका लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही। इसी के साथ साथ जो एक और दो कलर ऑप्शंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बिकॉज उनके डिजाइन और उनके प्रिंट्स भी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, मेरे विशलिस्ट के अंदर भी एडेड हैं, तो आप उनके साथ भी चेकआउट कर सकते हो। हाईली रिकमेंडिंग दिस वन, लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमने लिया है, ये ग्रे कलर का हैंडबैग। फिर से अगर कोई ऑफिस गोइंग गर्ल्स देख रहे हैं या फिर आपकी मदर सिस्टर किसी के लिए भी आपको कोई गिफ्ट चाहिए, बैग चाहिए, लेना है, आप इसके साथ आंख बंद करके जा सकते हो। गाइस इसकी क्वालिटी एंड इसका मटेरियल इतना ज्यादा हाई और अच्छा मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ हुआ है ना, मतलब लिटरली कोई नहीं कह सकता है कि 200-300 रुपए के बैग्स आपको मिल रहे हैं मीशो पे। बहुत ही प्रॉपर हाई फिनिशिंग की हुई है। मैंने ग्रे कलर में लिया बिकॉज मुझे ये कलर थोड़ा सा एलिगेंट लुक देता है एंड काफी ज्यादा स्मार्ट भी लगता है, इसलिए मैंने ग्रे ले लिया है। अगेन इसके अंदर आपको दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, जिप क्लोजर मिल रहा है दोनों का, बहुत ही स्मूथली इसकी चेन जो है वो ग्लाइड हो रही है एंड अंदर भी आपको अलग से पॉकेट्स मिल रही हैं।
तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल बैग रहेगा। बैक साइड में भी आपको इसके पॉकेट मिल रही है एंड काफी बड़ा सारा शोल्डर बैग भी है। तो गाइस लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है प्लस भर भर के कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का मीशो का बैग हॉल वीडियो। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे बैग्स आपके साथ शेयर किए एंड उम्मीद है कि आपको इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे लगेंगे। प्लीज गाइस आपके कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना और आपके रिव्यू मेरे साथ शेयर करना मत भूलना, मैं वेट करूंगी आपके कॉमेंट्स का। एंड इन एडिशन गाइज मुझे आपके रिकमेंडेशन की भी जरूरत है कि आपको नेक्स्ट कौन सी हॉल वीडियो देखनी है। एंड मेरा ओपिनियन ही ये है कि मैं एक मीशो का ब्यूटी हॉल वीडियो भी ट्राई करना चाहती हूँ। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स, मैं वेट करूंगी आपके कॉमेंट्स का एंड मैं आपके कॉमेंट्स का हाथों हाथ रिप्लाई भी दूंगी। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। लिंक्स में कुछ भी इशू आए प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपके साथ दूसरे ऑल्टरनेट लिंक्स भी शेयर कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, टिल देन बाय।